हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ विषय संस्कृत। बच्चों, कल मैंने आपका चैप्टर 10 जो था उसके सभी कार्यों को समाप्त करवा दिया, उसके सभी अभ्यास कार्यों को करवा दिया था मैंने। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ लेकर आपका चैप्टर 11। आपका चैप्टर 11 का शीर्षक है दयालु सिद्धार्थ, यानी दयालु सिद्धार्थ। यहाँ पर सिद्धार्थ के विषय में दिया गया है कि वो कितने दयालु थे। तो आइए आज मैं आपको इस कहानी को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ मैं आपको बताती हूँ। आपका जो चैप्टर है 11, जिसका कि शीर्षक दयालु सिद्धार्थ है, तो दयालु सिद्धार्थ जो है इसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एवं इसके हिंदी अर्थ को मैं समझाऊंगी। इसमें जो ये कहानी है वो सिद्धार्थ के विषय में दिया गया है। आपको मैं जो जो जिन्हें कि हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो वो अपने समय में अपने बचपन से लेकर वो कैसे दयालु थे और कैसे वो बुद्ध बने, इसी स्टोरी में उन्हीं के विषय में दिया गया है। तो आइए मैं पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाती हूँ। भारतस धरायाम अनेका महापुरुषा अभवन। भारत की धरती पर अनेक महापुरुष हुए हैं। येषु महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण च प्रमुखा सन्ति। इसमें जो है महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण आदि जो हैं वो प्रमुख हुए हैं। पुरा कपिल वस्तु नामना एक नगर आसी। पुराने समय में कपिल वस्तु नाम का एक नगर था। तत्र सुदोधन नामना राजा राज्यं करोति स्म। वहाँ सुदोधन नाम के राजा राज्य करते थे। तस पाल्या नाम माया आसीत। उनकी पत्नी का नाम माया देवी था। तस गृहे एक पुत्र अजायत। उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। उनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थस्य लालनं पालनं अतीव स्नेहेन अभवत्। सिद्धार्थ का लालन पालन जो था वो बहुत ही प्यार से और स्नेह से हुआ था। सह बाल्याद एव दयालु परोपकार उदार च आसीत। वे बाल्यावस्था से यानी बचपन से ही दयालु, परोपकारी और उदार व्यक्ति थे। तस्य मनसि दया करुणा च आसीत। उनके मन में लोगों के प्रति बहुत ही दया और करुणा के भाव थे। उनके मन में बहुत ही दया एवं करुणा थी। सिद्धार्थ सांसारिक दुखेभ्य अपरिचित आसीत। अब सिद्धार्थ जो थे वो सांसारिक दुखों से अपरिचित थे, उन्हें उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। सिद्धार्थस्य मनसि राज्यं प्रति लेश मात्र भी इच्छा न आसीत। सिद्धार्थ के मन में अपने राज्य के प्रति भी लेश मात्र जरा सी भी इच्छा नहीं थी कि वो राजा बने, राज्य का शुभ भोगे, इस तरह से उनके मन में कुछ नहीं था। तस्य हृदय जगति न अमरत। तस्य हृदय जगति न अड़मत। उनका मन संसार में रम नहीं रहा था। स संसारे दुखेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं दृढ़ निश्चय अकरोत्। उन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने संसार के दुखों से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय किया। एकदा सिद्धार्थ रात्रौ गृहं त्यक्त्वा निर्जन स्थाने अगच्छत। एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ रात्रि में ही अपने घर को त्याग कर एक निर्जन स्थान पर आ गए, सुनसान जगह पर आ गए। स इतस्ततः अभ्रमत। वे यहाँ वहाँ घूमने लगे। वो यहाँ वहाँ घूमते रहे। स द्वादश वर्ष पर्यंतम एकस्मिन स्थाने कठिना तपा अकरोत। उन्होंने 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की। शरीरम अस्थि मात्रम अवशिष्टम। शरीर मात्र अस्थियां ही रह गई, यानी हड्डियों का ढांचा ही बनकर रह गया था।
उनके शरीर से सारा वो मतलब मांस उनका सूख गया था, वो एकदम ढांचे के रूप में हो गए थे। तस्मिन समय एका कन्या क्षीर भोजनं नीत्वा तस् समीपम अगच्छत्। उसी समय एक कन्या खीर लेकर उनके पास आ गई। कन्या तंग वन देवता मत्वा तस्मय तत् क्षीर भोजनम असमर्पयत्। और कन्या ने उन्हें वन देवता समझकर उन्हें खीर दे दी। सिद्धार्थ क्षीर भोजनम खादित्वा ज्ञानम अविन्दत। खीर खाकर सिद्धार्थ ने खीर खाकर ज्ञान प्राप्त किया। तदंतरं स भगवान बुद्ध अभवत। उसके बाद वे भगवान बुद्ध हुए। स प्रेम अहिंसाया सत्यश्च उपदेशम अददात। उन्होंने क्या किया, प्रेम अहिंसा और सत्य का उपदेश दिया। यानी इस पे क्या है कि यह जो आप दयालु सिद्धार्थ के विषय में जो है वो आपको मतलब संक्षिप्त में उनका उनका जीवन चरित्र के विषय में बताया गया, उनके जीवन के विषय में संक्षिप्त बताया गया। आपको यदि दयालु सिद्धार्थ पर निबंध भी लिखने के लिए, अनुच्छेद भी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसे अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इसको अवश्य ही पढ़िएगा। इसे मैंने पढ़कर इसका उच्चारण के साथ मैंने इसके हिंदी अर्थ को भी बता दिया है। इस प्रकार से चैप्टर जो आपका 11 था जिसका कि शीर्षक दयालु सिद्धार्थ है, इसे मैंने पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी अपने चैप्टर को अवश्य पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद ही आप इसे अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और इसमें जो भी आपको समझ नहीं आए उसका वर्ड मीनिंग लिखकर आप उसके अर्थ को जब याद कर लेंगे, उस शब्द को लिख लेंगे, उसका हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ जान लेंगे, तो इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर आपका क्यों ना हो उसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सभी चैप्टर का शब्दार्थ याद करना आवश्यक होता है। तो आज मैंने आपको जो चैप्टर 11 है दयालु सिद्धार्थ वो पढ़कर बताया है। कल आगे का जो कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।